जयपुर से अब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो यहाँ हवा महल से शुरू किया गया है। ये जयपुर का फेमस हवा महल, यहाँ से हम ये वीडियो शुरू करते हुए आगे चांदपोल बाज़ार तक जाने वाले हैं। पुरानी सिटी को आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहे पूरे वीडियो में और आप भी मेरे साथ इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। हवा महल आपको पता ही होगा, राजा ने रानी के लिए ये महल बनाया जिसमें जहाँ भी रानी बैठे उसको हवा लगे। तो चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ लगी हुई हैं इस पूरे हवा महल में। झरोके ही झरोके आप देखें, ये हर तरफ छोटे 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 झरोके पूरे हवा महल में। जिस भी कमरे में चले जाए, जहाँ भी चले जाए, रानी को हवा आनी चाहिए। ऐसा राजा ने ऑर्डर दे दिया कि ऐसा एक महल बना दीजिए जिसमें रानी को कहीं भी गर्मी नहीं लगे, हवा आती रहे। और ये महल का निर्माण हुआ। राजा रानी अभी नहीं है, चले गए, बहुत पुराना ये महल हो गया, लेकिन ये लोगों को देखने के लिए ये महल अभी यहाँ है और दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। आइए ये सफ़र हम शुरू करते हैं। ये माणक चौक, बड़ी चौपड़, बड़ा सा एक मंदिर यहाँ, और ये इधर के हाउस, ये बड़ी चौपड़, सामने जामा मस्जिद और जौहरी बाज़ार, आगे सांगानेरी गेट, और ये इस तरफ आप देखिए बहुत ही शानदार ये छतरीनुमा बना हुआ है। ऐसे ही इधर भी एक बना हुआ है। और ये हवा महल का ही पार्ट है पूरा का पूरा। ये यहाँ तक हवा महल है, ये जो हवा महल आप देखा अभी उसी का ये हिस्सा है। और देखिए यहाँ भी खिड़कियाँ चारों तरफ बहुत ही डिज़ाइन से इसे बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं, बैटरी वाली गाड़ी में ये सफ़र हम आगे कर रहे हैं, आ जाइए। और ये हमने बैटरी वाली गाड़ी में बाइक के साथ सफ़र शुरू कर दिया है। चांदपोल ये भाई जाएंगे आगे, और हम चांदपोल बाज़ार तक इस वीडियो में चलने वाले हैं। क्या चांदपोल, चांदपोल क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश। मुकेश भाई के साथ ये सफ़र हम करेंगे। मुकेश भाई कहाँ से है, बिहार से है क्या? नहीं नहीं, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से है? सवाई माधोपुर से हैं ये भाई, राजस्थान के ही हैं। मुकेश सैनी हो क्या? हाँ, मीना, मीना है ना? हाँ मीना उधर है ना, बहुत सारे मुकेश मीना है ये भाई। जो ये बैटरी वाली गाड़ियाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ बैटरी की चलती हैं, उसमें से एक ही है मुकेश मीना की गाड़ी भी है जो हमें चांदपोल बाज़ार तक लेके जाएगी। मौत का और सवारी का कोई पता नहीं है, ये मुकेश भाई हमें बता रहे हैं, और ये हकीकत यही है। और ये देखिए ये त्रिपोलिया बाज़ार, यहाँ इस दीवार पे लिखा हुआ है हवा महल, अंदर हवा महल है ये। और इधर हम खड़े मुकेश का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये चलेगा तो हमें आगे छोड़ेगा। सब लोग चल रहे हैं लेकिन ये मुकेश भाई सवारियों का इंतज़ार यहाँ कर रहे हैं। ये देखो लाइन में लगते हुए आराम से चल रहे हैं, सब गाड़ियाँ जा रही हैं, सब गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन ये मुकेश भाई अभी चलेंगे, अभी बैठ गए ना सवारियाँ, अभी चलेंगे। ये देखो यहाँ पर ये माता जी लाख की चूड़ियाँ बेच रही हैं, लाख की चूड़ियाँ हैं ये रोड साइड में। और अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से, मुकेश भाई ने काफ़ी टाइम लेके यहाँ से शुरू किया लेकिन लास्ट में शुरू हो गए। इनके पास जैसे सवारियाँ बैठी, क्योंकि ये बैटरी वाली गाड़ियाँ सवारियों पे चलती हैं और शेयरिंग में चलती हैं,
जैसे जैसे लोग बैठते हैं वैसे वैसे चलती रहती हैं। दो तीन चार सवारी चलते बैठते ही ये चल पड़ते हैं। ये देखिए, ये एक को लेके जा रहा है, कोई दो को लेके जा रहा है, ऐसे ये चलते रहते हैं। अभी भी इनकी गाड़ी में जगह है तो और बिठा रहे हैं। और ये अंदर पूरा मार्केट, ये त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़ से लेकर के आगे त्रिपोलिया गेट तक, त्रिपोलिया बाजार, जिसमें अभी हम पहुंचने वाले हैं त्रिपोलिया, जहां पर ये ईसर लाट है। आप देखें, ये ऊपर एक छोटा सा मीनार दिखाई दे रहा है, और नज़दीक जाएंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। ईसर लाट, इसकी भी एक कहानी है, मैं आज आपको बता ही देता हूँ। ये राजा के दो बेटे थे, उनमें आपस में लड़ाई हो गई थी। एक बेटा जीत गया, उसने जीत की खुशी में ये ईसर लाट बनाया, और जो जीता था वो ईसर या ईश्वर, ऐसा कुछ उनका नाम था शायद, तो उन्होंने जीत की खुशी में ये एक मीनार बना दिया, जो अभी टूरिस्ट को ऊपर जाके पूरा जयपुर देखने को मिलता है इससे। और ये देखिए, यहाँ जाम लग गया, अभी आगे रेड लाइट है, त्रिपोलिया का रेड लाइट, जिसमें ये जाम बत्ती पे रुके हुए हैं। और ये त्रिपोलिया का सिग्नल, और ये इधर त्रिपोलिया गेट, और इधर ये चौड़ा रास्ता, इधर हम देखेंगे ये आगे चौड़ा रास्ता है, और आगे न्यू गेट आ जाता है, और इसी पे चलेंगे आगे तो आगे सीधा चांद पोल गेट आता है। यहाँ से ये चांद पोल बाजार की कौन सा बाजार है, ये त्रिपोलिया, ये भी त्रिपोलिया बाजार ही है ना, छोटी चौपड़ तक त्रिपोलिया बाजार है। आगे छोटी चौपड़ आएगा वहाँ तक त्रिपोलिया बाजार। और ये जिसकी हम बात कर रहे थे ईसर लाट, ये आपके सामने आ गया। देखिए, ये एक मीनार नुमा राजा ने अपनी जीत की खुशी में बनाया था, जिसके ऊपर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। 50 रुपया इसका टिकट है, ऊपर से आप पूरे जयपुर को देख सकते हैं यहाँ से। और ये शाम का टाइम, और ये पिंक सिटी का पूरा नज़ारे बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी शाम तकरीबन हो गई है, देखिए सामने सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जा रहा है आस्ता आस्ता, थोड़ी थोड़ी लाली दिखाई दे रही है। तो शाम को टाइम बहुत ही शानदार ये नज़ारे इस पिंक सिटी जयपुर के, आप भी आनंद लें और मैं भी इसका आनंद ले रहा हूँ। ये मुकेश भाई की गाड़ी हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। और ये सामने श्री रोजगारेश्वर महादेव मंदिर है, ये काफ़ी बड़ा मंदिर यहाँ पर। और ये छोटी चौपड़ हम पहुँच गए हैं, मंदिर के साथ में ये छोटी चौपड़ है, जैसे बड़ी चौपड़ है वैसे ही छोटी चौपड़ है, बड़ी सारी एक चौपड़ यहाँ बनी हुई है। और ये सामने थाना कोतवाली है इधर जयपुर शहर का, और इधर जाते हैं तो इधर ये अजमेरी गेट आता है, और सीधा निकलेंगे तो सीधा चांदपोल बाजार, और आगे चांदपोल गेट आएगा। और ये देखिए, मिट्टी के सामान बने हुए यहाँ पर। ये छोटी चौपड़ से हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया है, और ये पूरा चांदपोल बाजार, आम की अभी भरमार है, आम अभी चालू हो गए हैं, ये अप्रैल लास्ट चल रहा है, आज 26 तारीख हो गई अप्रैल की। और यहाँ एक और शिव मंदिर, महाकाल मंदिर, और ये मिश्रा जी का रास्ता, मिश्रा राजा जी का रास्ता शुरू, ये मिश्रा राजा जी का रास्ता इधर।
और ये चांदपोल बाजार। और इधर बाबा हरिश्चंद्र मार्ग आ गया है, ये बाबा हरिश्चंद्र का बोर्ड लगा हुआ है और ये अंदर बाबा हरिश्चंद्र मार्ग है। और ये हनुमान जी का मंदिर, और ये शनि देव का मंदिर यहाँ पर। मुकेश मेरे भाई यहीं उतार दो हमें, ये खेजनों का रास्ता आ गया, यहीं उतार दो और क्या। और ये जयपुर के फेमस गोल गप्पे, ये भाई यहाँ गोल गप्पे बेच रहे हैं। और ये चांदपोल बाजार का जयपुर का पतासी, फेमस पतासी भाई के पास। तो ये भाई क्या नाम आपका? चंद्रमोहन यादव जी। चंद्रमोहन यादव, चंद्रमोहन यादव जी हैं ये जो ये पतासी बेचते हैं। कितने की दे रहे हो? 10 रुपये की 4। 10 रुपये की चार दे रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे तो भाई बता रहे थे कि हमारे पापा जो हैं 1 रुपये की 20 देते थे, ऐसा भी टाइम था 1 रुपये की 20 पतासी। क्या आपने खाई है 1 रुपये की 20 पतासी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अभी तो 4 मिल रही है, कहीं कहीं 3 भी मिलती है, कहीं कहीं 2 भी मिलती है 10 की, और कहीं कहीं आपको 6 भी मिल जाती है, इससे ज़्यादा अभी नहीं मिलती है। और ये चांदपोल का बाज़ार पूरा शाम का टाइम। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, ये हमने हवा महल से शुरू किया और यहाँ चांदपोल बाज़ार तक ये वीडियो हम लेके आए। कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बता दें। ये यहाँ सामने बिरदीचंद जी का चौक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।